गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले 25,000 के इनामी अपराधी विनय यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर पहुंचने पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। कहा, प्रदेश के सभी सीटों पर प्रसपा लड़ेगी निकाय चुनाव। रामपुर मैनपुरी सीट पर पार्टी के सदस्यों से बात करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। मकर संक्रांति मेले की तैयारी बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूरी करने और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर राप्ती नदी के तट गोरखनाथ घाट और श्रीराम घाट पर मंगलवार को आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कहा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे महीने का मिलता है पुण्य फल। जटा सेंगल गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाए गए गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, समाज के उत्थान के लिए गुरु नानक देव ने किया था अनेकों कार्य, सभी को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सकुशल हुआ संपन्न। 15,000 से ज्यादा लोगों ने लगाया नदी में आस्था की डुबकी। नदी में NDRF व SDRF स्नान करने वाले व्यक्तियों की करते रहे निगरानी। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया देव दीपावली का पर्व। कहा, देव दीपावली के दिन दीपक जलाने से बुद्धि ज्ञान और जीवन की दूर होती है कठिनाइयां। अब खबरें विस्तार से। जगह थाने की पुलिस ने चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विनय यादव पुत्र सोहन यादव निवासी बनसप्ति बेलकुंडा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जो कि 25,000 का इनामी है। SP नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जगह थाना प्रभारी गौरव राय कन्नौजिया, उप निरीक्षक आलोक राय, कांस्टेबल विकास सिंह, सूरज यादव, राकेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 8/11/2022 को शाम 7:30 बजे थाना झंगहा पुलिस द्वारा डॉक्टर संत राज गुप्ता निवासी गोबड़ौर से रंगदारी मांगने के मामले में वांछित अभियुक्त विनय यादव को गिरफ्तार किया गया। इस अभियुक्त पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त घटना से ही फरार चल रहा था और उसको थाना झंगहा की टीम लगातार गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी। आज सायंकाल जैसे ही सूचना मिली कि उक्त अभियुक्त गोबड़ौर चौराहे के पास होने की संभावना है, थाना झंगहा की टीम द्वारा उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसे जेल भेजने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का गोरखपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया, जिसके संबंध में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में प्रसपा सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है और रामपुर व मैनपुरी की सीट पर परिवार में विचार विमर्श करने के बाद फाइनल किया जाएगा। उन्होंने कहा, अभी भी सपा ने अपने प्रत्याशी को घोषणा नहीं किया है, आगे जो पार्टी के सदस्य तय करेंगे उसके आगे निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर प्रसपा के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा, चाचा उतरेंगे, चाचा उतरेंगे, चाचा उतरेंगे।
इसका तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, अगर समझदारी से काम ले लिया होता तो आपके मन की बात हो जाए। लेकिन ये हम कहेंगे नेताओं को, बड़े नेताओं को, जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात तोड़ दी है, उन्हें समझदारी से काम करना है। समाज के लोगों में जोड़, समाज के अच्छे लोगों में जिनका प्रभाव है, मदद करते हैं, जनता जनता में पॉपुलर है, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने वालों को अलग नहीं मजबूत करना चाहिए, अलग मानता है, दूर नहीं करना चाहिए। हमने सब पर यही करके आपने जो नारे दिए हैं, जो बात आप लोगों के दिमाग में है, हमने तो कई मौके दिए, कई मौके दिए, लेकिन उन मौकों पर सफलता क्यों नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली? आओ, आओ। चले आपके प्रति कितनी बफादार, देखिए हमारे साथ जितने भी लोग हैं बफादार लोग, इतना राज क्या है कि वो आपको छोड़ के कहीं जाने, हमारे बगाना चाहिए, हमारे साथ ही रहेंगे, बफादार हैं, बहादुर हैं, कर्मठ हैं, और वो देश और प्रदेश की जनता का भला करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम लोग सब मिलकर के परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, समाज की लड़ाई लड़नी है, देश और प्रदेश की लड़ाई लड़नी है, इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं वफादार लोग हैं, हमारी प्रगति के समाजवादी पार्टी, प्रगति समाजवादी पार्टी असली समाजवादी पार्टी, यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच दें अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं, जो भी होगा आपके सामने आएगा। चुनाव देश और प्रदेश की तकदीर का फैसला करेगा, कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, पहले आप तो जाने दो, फैसला तो आने दो, और फैसला आने दो, चुनाव है एक महीना से भी कम समय, अब फैसले तो लास्ट में ही होते हैं ना, तो आप सपा का इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले करे तब आप आगे पत्ते खोलेंगे? देखिए हमारी पार्टी भी तो, हम अपनी पार्टी का हमारे पार्टी में देखिए सभी पदाधिकारी भी है, सेंट्रल पार्लियामेंट हमारी पार्टी के नाम लेते, अभी हमारी हैसियत नहीं है कोई बड़ा घोषणा करने की, और झूठा घोषणा हम नहीं कर सकते, शिवाजी अगर हम लोग सरकार बना लें तब बुला लेना, तब बड़ी घोषणा कर दें, सपोर्ट करती है वहाँ पे आपको तो लड़ेंगे, अगर सपोर्ट करती है मैनपुरी में आपको वहाँ से आप लड़ेंगे फिर मैनपुरी से, अगर योगी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपको तो? देखिए ये
कानून की बातें मत करो। सब बातें जब फैसले हो जाएंगे तब सब आपके सामने आएंगे। कब तक सर इंतजार करना होगा? बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिवपाल जी, एक नाम और सामने आ रहा कि आपकी एक बहू अपर्णा यादव है, उनको भाजपा मैदान में उतार सकती है मैनपुरी से, तो क्या बहू का समर्थन करेंगे आप? अब ये तो भाजपा वालों को तो हमारी पार्टी अलग है। नहीं, मैं अपर्णा यादव की बात कर रहा हूँ, आपकी बहू। देखिए, हमारी पार्टी अलग है, समाजवादी पार्टी। तो बहू का विरोध करेंगे? हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, मिलकर के काजी फैसला। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहू की बात कर रहा हूँ। क्या बहू का विरोध करेंगे? देखिए, इन बातों से हमारे सामने देश और प्रदेश है, पहले हम देश और प्रदेश की बात करें। आप अक्सर योगी जी की तारीफ करते नजर आते हैं, आज क्या स्थिति गोरखपुर में आके कैसा लगा आपको? उनको सुझाव नहीं देते हैं, हम सुझाव भी तो देते हैं, तारीफ वाले कामों की तारीफ देते हैं, लेकिन हमको हम सुझाव तो भी तो देते हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कोशिश करेंगे। हमने जिला अध्यक्षों को अपने को अधिकृत कर दिया है, वो भी जो भी जिले में मीटिंग करें, कार्यकर्ताओं पर बैठें और कार्यकर्ताओं को बीच में अपने जो भी जैसे भी लगाना चाहते हैं वो भेजें उनको। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में आयोजित मकर संक्रांति मेले की तैयारी बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूरी कर ली जाए और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि नव वर्ष के पहले दिन से ही मंदिर में भारी संख्या में लोग आने लगते हैं, इसके बाद से लोग आते रहते हैं। मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अभी से अपनी तैयारी कर ले। सुनिश्चित करें कि वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हो, वाहन स्टैंड पर प्रकाश एवं साफ सफाई की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जाएं तथा मेले में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, मोबाइल शौचालय आदि की व्यवस्था करे तथा इसकी नियमित सफाई हो। नगर निगम मेला क्षेत्र में पर्याप्त अस्थायी एवं अस्थायी प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाए। उन्होंने निर्देश दिया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा PWD राष्ट्रीय राजमार्ग मेला क्षेत्र के सड़कों को ठीक करवाए। बिजली विभाग जर्जर तारों एवं पोल को ठीक कराए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग मेले के दौरान कैंप लगाए, आपूर्ति विभाग केरोसिन एवं खाद्यान्न का वितरण कराए, वन विभाग जलौनी लकड़ी की व्यवस्था कराए। उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन मेले का लाइव प्रसारण कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया है कि मेले के दौरान परिवहन विभाग बसों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था रखे, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान ले। उन्होंने निर्देश दिया कि अभी से अभियान चलाकर विभिन्न मोहल्लों में साफ सफाई कराया जाए। बैठक में DIG, SSP, जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए जो आपको इक्विपमेंट्स और ये सब का जरूरत पड़ेगा तो वो GDA के माध्यम से भी और नगर निगम के माध्यम से हम लोग देने के लिए तैयार हैं। आप चाहेंगे सर ये सब चीज आप खरीद करके दे दीजिए, वो हम खरीद करके दे सकते हैं। आप कहेंगे नहीं सर ये सब चीज हम ही खरीद लेंगे, हमको आप पेमेंट कर दीजिए, तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। आप जितना जल्दी प्रस्ताव आप देंगे उतना जल्दी हम लोग अवस्थापन निधि का प्रक्रिया कम्प्लीट करा करके आपको हैंड ओवर। तो कोई भी गंदगी उस एरिया में ना रहे, तो अभी से ही एक स्पेशल ड्राइव करा करके आप करना वो रख लीजिए और कहाँ पे लोग ज्यादा फेंक रहे हैं और पूरा से चेक कर लीजिए। इसमें सर नगर निगम से एक पॉइंट जो भी आया था डिस्कस करते समय कि जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में खिचड़ी का, तो उसके लिए अगर हम बात कर लें कि उस खिचड़ी को केवल की मूर्ति को चढ़ाने के अलावा अगर हम कहीं कुछ कलेक्शन पॉइंट बना लें तो इधर उधर दिक्कत नहीं आती। बढ़िया डिजाइनदार कलेक्शन टाइप का कुछ रहे या फिर प्लास्टिक का बना, जैसा आजकल होता है बहुत से मंदिरों में। क्या किया है कि पहले जो हम लोगों ने क्या किया ये कोने में वो कर देते हैं कि केवल वहीं पर तेल लगा दीजिए, क्योंकि क्या है एक दो बार इंसिडेंट हो गया आग लग गया। व्यवस्था होती है अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना होती है, तो इसमें इंफ्रा जो भी है वो नगर निगम प्रोवाइड करेगा और बाकी पुलिस की ड्यूटियाँ
होमगार्ड्स की तैनाती, पुलिस पीएसी और आरएएफ की तैनाती, महिला पुलिस की व्यवस्था, महिला पुलिस की पर्याप्त मात्रा संख्या व्यवस्था महिला श्रद्धालु आती है। अब पोखरे में नाव जाल तैराकी पुलिस की तैनाती और मोटर बोट ट्यूब की व्यवस्था। हर बार ये प्रॉब्लम आता है, कहीं पे भी हवा नहीं जलता है, ठीक है। इट इज वो क्या है, कहाँ पे एक जगह पे जलना शुरू जब हो जाता है तो फिर भीड़ इकट्ठा इतना जबरदस्त हो जाता है, ठीक है, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोगों को पहले ही वन मोर प्रॉब्लम इज उसको वो बड़े बड़े पेड़ का वो काट काट करके लाने के समय में भी फिर वो आती है, उसमें लकड़ी कोयला जिसको डालेंगे तो वो फैलेगा नहीं सर, वो फैलेगा नहीं सर, इजीली मैनेजेबल हो जाएगा, तो वो बन जाए सस्ती बन जाती है। देखो 10 फीट उस समय क्या है, आपको पूरे जिले को मतलब पूरे शहर को भी देखना है, पूरे शहर के साथ आपको स्पेसिफिकली ये कप्तान साहब कह रहे थे जो थाने का फोर्स रहेगा, ठीक है, महिला कांस्टेबल्स रहेंगे, वो सब भी रहेंगे। अब आपको तीनों एंगल से देखना पड़ेगा, एक तो शहर का अलग हो। जनपद में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व राप्ती नदी के तट गोरखनाथ घाट और श्री राम घाट पर मंगलवार को आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने राप्ती नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किए। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भागवत सत्यनारायण का व्रत रख कर कथा सुनी और गोदान किया। रात्रि तक श्री राम घाट पर मेले जैसा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर भोर से ही श्रद्धालु राप्ती तट पर पहुंचने लगे थे। दोपहर तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते रहे और पूजन अर्चन करके दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं की किसी तरह स्नान करने में परेशानी ना हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से बैरिकेटिंग और पर्याप्त लाइट की भी व्यवस्था की गई थी तथा पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद रहे। स्नान करने के वक्त कोई श्रद्धालु नदी में ना डूबे, इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन की तरफ से एनजीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात रही, जिसके संबंध में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान माना जाता है, इसलिए लोग नदियों पर जाकर स्नान करते हैं। अगर कोई गंगा स्नान नहीं किया रहता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है तो उसके पूरे महीने का पुण्य फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की विदाई होती है। उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बछिया छुआने से लेकर अधिक से अधिक दान पुण्य करने पर भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्नान करने आए श्रद्धालु एवं सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने कहा, ¡Gracias!
आज हम लोग बहुत अच्छे से नहाए हैं और डुबकी लगा के नहाए हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा किनारे नहा रहे थे तो हम लोग का पैर धंस रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग नहा लिए। हम लोग यहाँ 3 साल से आ रहे हैं और आगे भी आएंगे फिर हम लोग। नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा। आज के दिन नहाने से क्या होता है? आज के दिन नहाने से लोग कहते हैं मतलब बहुत अच्छा होता है। लोग कहते हैं दुख भला दूर होता है, दान पान करने से घर में गरीबी कटता है, यही सब लोग बता। हाँ, हाल का रंजन आज नहाने आए तो हम तो धंस रहे थे उसी में दलदल में। अब क्या कहे आपको पढ़ाई अधित ना बाबा को ये नहीं सोच रहा था कि बालू का
लगा देने के बोरिया घाट साफ कर ले घाट है तो पब्लिक को कहना चाहिए देना चाहिए था ना। अभी बाढ़ नहीं नहाए नहाने के भी नहाने के दिन क्या हाँ आज के दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है कार्तिक आज मैं राम जी का अति बना है इसीलिए सरजी जी मेरे स्नान किया जाता है। सोनम सिंह आज कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए लोग आज के दिन विशेष नहान होता है इसलिए लोग नहा रहे हैं अपना। क्या होता है आज के दिन नहाने से? आज के दिन नहाने से ऐसी मान्यता होती है जो पूरे कार्तिक जो गंगा स्नान नहीं किए रहते आज के दिन भी स्नान कर ले तो पूरे महीने का पुण्य फल मिलता है कार्तिक वर्ष का। इसका महत्व यही है आज के दिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी की जो है कि विदाई होती है पूर्णिमा है आज गुरु नानक जयंती भी है तो आज के दिन ऐसा विशेष महत्व है कि स्नान जो है पूरे साल के जो है कि स्नान का गंगा नहान का फल मिलता है। लोग यहाँ बाछी छुड़ाने का भी काम कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन है कि आप जितना दान पुण्य कर ले चाहे बाछी छूने से लेके आप आटा दाल चल कुछ भी दान करें आज के दिन का दान पुण्य किया हुआ लोग कहते हैं सर करोड़ों गुना मिलता है इस मान्यता के साथ लोग अपने आस्था में दान पुण्य कर रहे हैं। राजेश कुमार पांडे आज कार्तिक महात्म का दान महाकल्याण और दान पुण्य दया धर्म हर तीर्थ के अंदर में स्नान करने से पुण्य का भागी बनते हैं और जो है सदा कल्याण उनका होता है उनके परिवार के सदा कल्याण होता है बाल बच्चों को सदा कल्याण होता है। क्या महत्व होता है आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन महात्म का यही है इसका जो है पुण्य का कि स्नान नदी नाला तालाब में करने से सदा कल्याण होते हैं पूरे परिवार के लोग हमेशा सुख शांति से रहते हैं। बाछी छुआने का परंपरा चल रहा है। हाँ बाछी छुआने का गौदान का महत्व सबसे ज्यादा है आज कार्तिक महात्म के दिन। ये चूंकि सुबह से ही यहाँ पे भीड़ है तो इसके पहले से ही पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से की गई हुई है कई सेक्टर्स में बांट के इन घाटों को वो फोर्स लगाया गया है जो रूट व्यवस्था है उसके लिए अलग से फोर्स लगाया गया है जो पार्किंग व्यवस्था की गई उस साइड में उसके लिए फोर्स अलग से डिप्लॉयमेंट किया गया हुआ है जो घाट के अंदर है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई हुई है अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है जिससे किसी की तरीके कोई समस्या ना हो। पार्किंग की व्यवस्था अपोजिट साइड में की गई है जहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं अगर वो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो उसको जाके वहाँ पार्क कर सकते हैं। कितनी भीड़ होने की संभावना? भीड़ तो बराबर चली आ रही है क्योंकि 3-4 बजे से ही लोगों का लगातार आना और जाना लग रहा है तो लगभग 50,000 के आसपास तो अब तक भीड़ आ जा चुकी होगी यहाँ पर ये 9-10 बजे तक तो अभी भीड़ रहेगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले 25,000 के इनामी अपराधी विनय यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार भेजा जेल। गोरखपुर पहुंचने पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत कहा प्रदेश के सभी सीटों पर प्रसपा लड़ेगी निकाय चुनाव रामपुर मैनपुरी सीट पर पार्टी के सदस्यों से बात करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। मकर संक्रांति मेले की तैयारी बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजे की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूरी करने और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्णिमा के पर्व पर राप्ती नदी के तट गोरखनाथ घाट और श्रीराम घाट पर मंगलवार को आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी कहा कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे महीने का मिलता है पुण्य फल। जटा शंकर गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाए गए गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा समाज के उत्थान के लिए गुरु नानक देव ने किया था अनेकों कार्य सभी को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सकुशल हुआ संपन्न। 15,000 से ज्यादा लोगों ने लगाया नदी में आस्था की डुबकी। नदी में NDRF व SDRF स्नान करने वाले व्यक्तियों की करते रहे निगरानी। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया देव दीपावली का पर्व। कहा देव दीपावली के दिन दीपक जलाने से बुद्धि ज्ञान और जीवन की दूर होती है कठिनाइयां।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व जटाशंकर गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि 554वां वर्ष पहले जब देश घोर अंधकार में था, कलयुग का समय था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, उस समय गुरु नानक देव का प्रकाश हुआ। गुरु नानक देव ने शिक्षा व समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया और नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। गुरु नानक देव ने नारा दिया कि काम करो और बांट कर खाओ तथा हिंदू मुस्लिम को एक कहा है। गुरु नानक देव की शिक्षा को लोग अमल में लाएं तो देश की स्थिति कुछ और होती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। आज श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 554वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज से 554 वर्ष पहले जब देश घोर अंधकार में था, कलयुग का समय था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे, स्त्री शिक्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, उस समय श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। श्री गुरु नानक देव जी ने स्त्री शिक्षा पर समाज की दुनिया खत्म करने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने नारी शिक्षा को कहते हुए कहा, नारी को क्यों नीचा कहा जाता है, सो क्यों मंदा के जित जमे राजान, मतलब जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया उस नारी की दशा से बड़ी शोचनीय थी। गुरु नानक देव जी ने उस पर काम किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, कीर्त करो, मतलब काम करो, बंट चको, बांट के खाओ और नाम जपो। ये उनके तीन मुख्य सिद्धांत थे। इन्हीं सिद्धांतों पर काम करते रहे और उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत काम किया है। डायमेंस खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम बराबर कहा है। उन्होंने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। इस तरह हम देखते हैं कि नानक जी की शिक्षाएं आज के इस समीचीन युग में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को फैला नहीं सके। अगर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को फैला दिया गया होता तो आज देश में जो स्थिति है वो इससे अच्छी होती, उतनी खराब नहीं होती। धन्यवाद। आज समय गुरुद्वारा दर्शन सेंटर में उनका प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं, कल से लंगर स्टार्ट है, आज रात तक लंगर चलता रहेगा। धन्यवाद।
पुलिस प्रशासन की निगरानी में राम घाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि इस बार के कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए विशेष रूप से प्रयास किया गया था कि कोई छोटा बच्चा व बुजुर्ग गहरे पानी में ना जाए, जिसको देखते हुए नदी में बैरिकेडिंग कराई गई थी। नदी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ व गोताखोर की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि नदी में भ्रमण कर रहे थे। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन पुलिस प्रशासन व नगर निगम के सहयोग से स्नान सकुशल संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 15,000 लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी में स्नान किया। इस अवसर पर नौसन चौकी प्रभारी अनूप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, हो जाता है लाइन तब 2 मिनट व्यू के हर 1,000 व्यू के 10 डॉलर मिलते हैं। एड जो होता है उसको जैसे 1 लाख 1.5 लाख मिल गया कैसे बच्चे हो गए बच्चे के अंदर टैलेंट पूजा हो जाती है सर, बछिया छूटे झगड़ा कर लिए थे पंजाब इस बार विशेष रूप से ये प्रयास किया गया था कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए, स्पेशली बच्चा या बुज़ुर्ग, उसके लिए बैरिकेडिंग कराई गई थी और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और गोताखोर लगातार भ्रमण कर रहे थे। पुलिस फोर्स भी लगातार भ्रमण कर रहा है। प्रातःकाल 4 से 8 के बीच में बहुत अधिक भीड़ थी, लेकिन सकुशल यहाँ पर सम्पन्न हुआ। अब काफ़ी कम भीड़ है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और संभवतः 12-1 बजे तक ये काफ़ी कम हो जाएगी भीड़। प्रातःकाल 4 से 8 के बीच में 5 से 7 हज़ार की भीड़ रही होगी और आते जाते रहे हैं लोग तो इस तरह से, लेकिन इतनी भीड़ लगभग लगातार बनी रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मंगलवार को देव दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि मंगलवार को साय 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, जिसके कारण सुबह 8 बजे से ही सूतक लगने से मंदिरों का कपाट बंद कर दिया गया था। पूरे दिन मंदिरों में पूजा पाठ बंद रहा। शाम को चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर को धोया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर को दीयों से सजाया और विधि विधान से पूजा अर्चना किया। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर को 11,000 दीपों से सजाया गया। दीप जलने के बाद मंदिर का परिसर रोशनी से जगमगा उठा, जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने सैया से विष्णु भगवान 4 महीने के बाद आज के दिन उठते हैं तो देवलोक में दीपावली मनाया जाता है।
उसी को देखते हुए यहाँ भी दीपावली का उत्सव मनाते हैं। देव दीपावली के दिन दीपक जलाने से बुद्धि, ज्ञान और जीवन की कठिनाई दूर होती है। उन्होंने कहा कि देवताओं के लिए दीपावली मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं एवं मंदिर के पुजारी रामनाथ ने कहा, दिवाली का दिया जलाया जाता है। हर साल हम लोग जलाते हैं यहाँ पे, कई सालों से ये मनाया जाता है। देव दिवाली का क्या महत्व है? देव दिवाली का महत्व है कि हैं है? देवताओं का देव दिवाली है, इसी का दिया जलाया जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, नहान भी है, उसका भी पर्व बहुत ज़्यादा है। अरुण कुमार श्रीवास्तव, इसका महत्व यही है कि जब विष्णु भगवान शयन से उठते हैं 4 महीने बाद, तो देवलोक में जो है देव दीपावली मनाया जाता है, दीपोत्सव कार्यक्रम किया जाता है। उसी के हिसाब से देखते हुए हम लोग भी जो है देव दीपावली का उत्सव मनाते हैं। क्या फायदा है? उससे भाग्य अच्छे विचार आते हैं, यही सब फायदे हैं। मेरा नाम हेमलता, अयोध्या और गोरखनाथ से रहने वाली हूँ जी। दीप जला रहे हैं, आज देव दीपावली है और यहाँ मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भी
बड़ी धूमधाम से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। श्रद्धा भक्ति के साथ देव दीपावली का बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देव दीपावली का महत्व है कि देव दीपावली के दिन जो है दीपक जलाने से सदगति को आदमी, वो दीप हमारे हाथों से हमारे हृदय में अगर हम जलाते हैं देव देवता लोगों को, अपने इष्ट देव को, और देव दीपावली इसीलिए मनाया जाता है कि वो भक्ति रूपी और ज्ञान रूपी आस्था रूपी हमारे हृदय में देवता लोग हृदय रूपी हृदय में और मतलब ज्ञान का दीप जलाते हैं। आज 5:20 से ग्रहण लगा था चंद्र ग्रहण, और 6:20 तक चंद्र ग्रहण भी था, और यहाँ मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। बहुत भव्य कार्यक्रम, और आप सभी लोगों का मीडिया मतलब से भी हमको बहुत सारे भक्ति का दर्शन करने को मिला, और सभी लोग यहाँ भक्तों की आस्था और प्रेम बहुत भव्य तरीके से जुड़ा हुआ है, और मेरा तन मन धन देव दीपावली में जो है समर्पित हो गया, और हमारे काशी विश्वनाथ मुक्तेश्वर नाथ धाम बड़ा ही भव्य धाम है जिसमें मैं अपना तन मन धन समर्पित कर चुकी हूँ, और भोलेनाथ ही त्रिलोकी नाथ ही सब कुछ त्रिलोकी के नाथ हैं, सारे भक्तों के रखवाले और देखभाल करने वाले हैं। आज यहाँ जगराता भी हो रहा है। हमारा नाम मंद मुक्तेश्वर नाथ रमानाथ उपाध्याय। ऐसा कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है, इसलिए सूतक में मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है, इसीलिए मूर्ति के स्पर्श के लिए कपाट को बंद कर दिया जाता है, और मंत्र का जप करते रहते हैं भक्त लोग, और उसके अलावा मूर्ति स्पर्श वर्जित है। हाँ, आज देव दीपावली का महोत्सव मनाया जा रहा है, और चंद्र ग्रहण जो ख़त्म होगा 6:19 पे ख़त्म हो रहा है, 5:09 से शुरू हो रहा है और 6:19 पर ख़त्म हो रहा है। उसके बाद से हम लोग देव मंदिर की धुलाई सफाई होगी, कपाट खोला जाएगा, और धुलाई सफाई करने के वजह से मंदिर की आरती होगी और देव दीपावली पर्व मनाया जाएगा। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कितना दीप जलाया जा रहा है? 11,000 दीपकों से दीप यज्ञ मनाया जा रहा है यहाँ पर। क्या महत्व होता है देव दीपावली का? देव दीपावली का महत्व है, बनारस में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के बाद देव दीपावली, इसमें देवताओं लोगों को दीपक जलाया जाता है, इसमें देवताओं के लिए देव दीपावली मनाई गई है। श्रद्धालु आते हैं, सब लोग दीपक जलाते हैं, और यहाँ पर भजन का कार्यक्रम हो रहा है मंदिर में, और विशिष्ट अतिथि में आने वाले हैं यहाँ के सांसद रवि कृष्ण शुक्ला। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिकित्सक से रंगदारी मांगने वाले 25,000 के इनामी अपराधी विनय यादव को जगह थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर पहुंचने पर प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया जोरदार स्वागत। कहा, प्रदेश के सभी सीटों पर प्रसपा लड़ेगी निकाय चुनाव। रामपुर मैनपुरी सीट पर पार्टी के सदस्यों से बात करने के बाद लिया जाएगा निर्णय। मकर संक्रांति मेले की तैयारी बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मकर संक्रांति मेले की सभी तैयारी समय से पूरी करने और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा एवं व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर राप्ती नदी के तट गोरखनाथ घाट और श्रीराम घाट पर मंगलवार को आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कहा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे महीने का मिलता है पुण्य फल। जटा शंकर गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाए गए गुरु नानक देव का 554वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, समाज के उत्थान के लिए गुरु नानक देव ने किया था अनेकों कार्य, सभी को लेनी चाहिए उनसे प्रेरणा। पुलिस प्रशासन की निगरानी में रामघाट पर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सकुशल हुआ संपन्न। 15,000 से ज्यादा लोगों ने लगाया नदी में आस्था की डुबकी। नदी में NGRF व SGRF स्नान करने वाले व्यक्तियों की करते रहे निगरानी।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर मंगलवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया देव दीपावली का पर्व। कहा, देव दीपावली के दिन दीपक जलाने से बुद्धि, ज्ञान और जीवन की दूर होती है कठिनाइयां। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।